हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में तुलना करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसकी तुलना करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की तुलना। ध्यान से आप समझें, पहला देखें भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण जिसे रसो अवशोषण भी कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण जो है यह वांडरवाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। भौतिक अधिशोषण किसके कारण उत्पन्न होता है? तो भौतिक अधिशोषण जो है वह वांडरवाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, और रासायनिक अधिशोषण यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण जो है वह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण जो है वह वांडरवाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा डिफरेंस है, भौतिक अधिशोषण यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। भौतिक अधिशोषण जो है वह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। रासायनिक अधिशोषण जो है वह प्रकृति में कैसा होता है? अति विशिष्ट होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण प्रकृति में अति विशिष्ट नहीं होता है। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण प्रकृति में कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक अधिशोषण यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो पहला आपने डिफरेंस देखा कि भौतिक अधिशोषण जो है वांडरवाल बलों के कारण होता है, रासायनिक अधिशोषण जो है रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अति विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अनुत्क्रमणीय है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा डिफरेंस, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण जो है वह गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित हो जाती हैं। जो अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें हैं उनका आसानी से अधिशोषण हो जाता है। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। रासायनिक अधिशोषण भी गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। जो वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोशोषण दर्शाती हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो गैसें जो हैं अधिशोषक से क्रिया करेंगी, उससे बंध बनाएंगी, वह जो है रासायनिक अधिशोषण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि यह गैसें की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं, और इसमें वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं उन्हीं का रासायनिक अधिशोषण होता है, वही अधिशोषण दर्शाती है। भौतिक अधिशोषण, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है, 30 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यह ताप बढ़ाने पर घटता है। भौतिक अधिशोषण जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है, इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, यह ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुप्रेक्ष्य सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक अधिशोषण में सुप्रेक्ष्य सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण में कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में सुप्रेक्ष्य सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक अधिशोषण यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। भौतिक अधिशोषण जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है।
जबकि रासायनिक अधिशोषण यह भी पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और यह भी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में आपने देखा कि दोनों जो हैं वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर दोनों बढ़ते हैं। लास्ट देखते हैं नवा, भौतिक अधिशोषण उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है। उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर जो भौतिक अधिशोषण है वह बहुअणुक परतों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, बहुअणुक मल्टी मालिक्यूलर लेयर्स के बीच की तरह दिखाई देते हैं। उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है। यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है, यह सिंगल लेयर मालिक्यूल के रूप में दिखाई देगा और यह मल्टी लेयर मालिक्यूल्स के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण जो है जिसे रसो अवशोषण कहते हैं यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है, यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होते हैं, क्या तुलना आपने किया दोनों का। ठीक है, इसका आप रिविजन कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।